उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार ग्रहण किया है। पूरे विश्व सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर भारत की ओर दुनिया नई आशा के साथ देख रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज को संबोधित करते हुए ये बातें कही। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पवित्र अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर क्षेत्र पहलगाम में शराब की दुकान खोले जाने का कड़ा विरोध किया। शिवसेना अध्यक्ष मनीष सानी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां प्रदर्शित की, ऋषि मुनियों और पीर पैगंबरों की भूमि पर शराब संस्कृति की अनुमति नहीं है, शराबबंदी लागू की जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सानी ने कहा कि राज्य के अबकारी विभाग ने धारा 370 को हटने के बाद नई शराब नीति लागू की। तब से शराब माफियाओं का एक नया वर्ग उन जगहों पर शराब की दुकानें खोलने की कोशिश कर रहा है जो धार्मिक स्थल हैं या शिक्षा के मंदिर। पुलवामा के काकपुरा से विशेषकों की एक टीम सोपोर रविवार को पहुंची, जिसमें कुछ दिन पहले सोपोर में आत्महत्या करने वाली लड़की का शव बरामद किया जा सके। पुलवामा के विशेषक अब्दुल सलाम डार अब तक कश्मीर के विभिन्न स्थानों से 40 लाशें निकाल चुके हैं और उनके पास से 18 जिंदा लोगों को भी निकाला गया है। लड़की के आत्महत्या करने के बाद से अथक प्रयास हो रहे हैं और मछुआरा समुदाय SDRF और मार्क्स के लोग पहले से ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से रविवार को बनिहाल के संगलदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी, कार्यवाहक अध्यक्ष रमन भल्ला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि वे यहाँ के लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को DAP राज्य कमेटी जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की। शोपियां DAP पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता और DAP शोपियां जावेद अहमद हकीम के नेतृत्व में कार्यचक कलेर में इकट्ठा हुए और रविवार को DAP के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर जावेद अहमद हकीम ने कहा कि DAP शोपियां में बड़े पैमाने पर जमीनी काम करने जा रहा है और घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएगा ताकि शोपिया के कोने कोने में गुलाम नबी आजाद का विजन फैल सके। इस साल क्रिसमस पर मौसम के खुश्क रहने के आसार हैं। सर्दी की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, लेकिन मौसम साफ रहने के कारण बर्फबारी का मजा नहीं उठा पाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 25 दिसंबर तक मौसम के साफ रहने के आसार है। कश्मीर में शीतलहर के बीच रात में पारा गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू संभाग के भी कई जिलों में रात को ठिठुरन बढ़ी है। अरनिया प्रखंड के मंडोला गांव में शिव सैनिक हिंदुस्तान ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र में नशे की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और युवा पीढ़ी को नशा माफिया से कैसा बचाया जाए इस पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर SHO अरनिया दीपक कटोच मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए, जिनसे इस मुद्दे पर भी बातचीत की गई। सांबा मानसर मार्ग पर बीती रात कश्मीर से सेब लेकर कोलकाता जा रहा एक ट्रक पलथल गांव के पास पलट गया। इस हादसे में चालक एवं सह चालक को मामूली चोटें आई, लेकिन लाखों रुपए का सेब पूरी तरह से खराब हो गया। बताया गया कि पलत के पास चालक का ट्रक नियंत्रण पर नहीं रहा और एक टिप्पर के साथ उसकी टक्कर हो गई, वह वहीं पलटकर गिर गया। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।